हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू द होम एकेडमी। आज के लेसन में हम पढ़ेंगे डेफिशिएंसी डिजीजेस के बारे में। जनरल साइंस का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है डेफिशिएंसी डिजीजेस। इसकी पीडीएफ आपको हमारी वेबसाइट www.homeacademy.in पे जो है मिल जाएगी। तो ये वीडियो जो है आपके लिए यूजफुल होने वाला है, क्योंकि आप देखेंगे वन डे कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन में काफ़ी जो है क्वेश्चन जो इनसे पूछे जाते हैं। हम यहाँ पर विटामिन्स की जो है वो डेफिशिएंसी डिजीज पढ़ेंगे और कुछ और न्यूट्रिएंट्स की पढ़ेंगे, जैसे कि कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम, क्लोरीन, इनकी जो हम पढ़ने जा रहे हैं। तो ये कंप्लीट होगा, तो स्टार्ट करते हैं हम विटामिन्स को। इससे पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको हर आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिल जाए। और हमारी वेबसाइट पर भी जो है उसको भी जो है फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए अपनी ईमेल डालकर। तो सबसे पहले जो है विटामिन ए के बारे में पढ़ेंगे। विटामिन ए जो न्यूट्रेंट है, इसका कॉन्स्टिट्यूएंट अगर हम देखेंगे तो रेटिनोल होगा। क्या होगा? रेटिनोल होगा, रेटिनोइक एसिड और बीटा कैरोटीन होंगे। इससे कौन कौन सी डेफिशिएंसी डिजीज होती है? सबसे इंपॉर्टेंट जो आती है वो नाइट ब्लाइंडनेस आती है। तो आप जो है इसमें नाइट ब्लाइंडनेस को भूलेंगे नहीं, नाइट ब्लाइंडनेस को याद रखेंगे। और विटामिन ए की कमी अगर हो जाती है तो हमारी जो नॉर्मल डेवलपमेंट होती है टीथ एंड बोन्स की, वो नहीं हो पाती। इसका सोर्स जो होगा कैरेट होगा, पपाया होगा, मिल्क, चीज, फिश होंगे। सोर्स आपको उतना ज्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन जो है डेफिशिएंसी डिजीजेस की याद रखेंगे, उसके कॉन्स्टिट्यूएंट याद रखेंगे। विटामिन बी वन का जो कॉन्स्टिट्यूएंट होगा वो थायामीन होगा। तो विटामिन बी वन को थायामीन भी कहेंगे। इसकी डेफिशिएंसी डिजीज से जो बीमारी होती है वो बेरी बेरी होगी। कौन सी होगी? बेरी बेरी जो होगी इसकी बीमारी होगी। आगे चलते हुए विटामिन बी टू के बारे में देखेंगे। विटामिन बी टू का कंस्टिट्यूएंट जो होगा वो राइबोफ्लेविन होगा। राइबोफ्लेविन और डेफिशिएंसी डिजीजेस जो होगी अरिबोफ्लेविनोसिस होगी। क्या होगी? अरिबोफ्लेविनेसिस होगी। विटामिन बी थ्री की बात करेंगे। विटामिन बी थ्री जो होगी वो नायसिन और निकोटोनिक एसिड होगा। विटामिन बी थ्री को जो है नायसिन भी कहेंगे और निकोटिनिक एसिड भी कहेंगे। इसका कंस्टिट्यूएंट जो होगा वो नायसिन होगा। इसकी कमी से जो डेफिशिएंसी डिजीज होगी वो प्लेग्रा होगी। कौन सी होगी? प्लेग्रा होगी। विटामिन बी फाइव जो है इसका कंस्टिट्यूएंट जो होगा पेंटोथेनिक एसिड होगा। इसकी डेफिशिएंसी डिजीज से एक्नी होंगे और प्रस्थिथेशिया होगा। क्या होगा? प्रस्थिथेशिया होगा। आगे चलते हुए विटामिन बी सिक्स के बारे में देखेंगे। विटामिन बी सिक्स के जो कॉन्स्टिट्यूएंट होंगे इम्पॉर्टेंट, वो पायरोडॉक्सिन होंगे और प्रियोडॉक्सल होंगे, प्रियोडॉक्स अमाइन होंगे। इसकी डेफिशिएंसी डिजीजेस से जो है डेंड्रफ-लाइक इरेप्शन होता है, आइज जो है वो पिंक हो जाती है, एपिलेप्सी जो है बीमारी होती है। किसकी डेफिशिएंसी से? विटामिन बी सिक्स की डेफिशिएंसी से। विटामिन बी सेवन जो है आप जानते हैं कितना इंपॉर्टेंट है, बायोटीन जो है इसका कॉन्स्टिट्यूएंट होगा विटामिन बी सेवन का। और इसकी जो डेफिशिएंसी डिजीज जो इसके इससे होगी वो ग्रोथ एंड न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर होगी इन्फेंट्स में। बात करेंगे अब हम विटामिन बी नाइन की। विटामिन बी नाइन यानी के फोलिक एसिड। विटामिन बी नाइन जो होगा इसका कॉन्स्टिट्यूएंट जो होगा वो फोलिक एसिड होगा। और इसकी कमी से जो डिजीज होगी विटामिन बी नाइन की वो मैक्रोसाइटिक एनीमिया होगा और कुछ बर्थ डिफेक्ट्स भी जो है वो हो सकते हैं। विटामिन बी ट्वेल्व की बात करेंगे, इसमें जो है कोबाल अमाइन से बनता है। तो ये कोबाल अमाइन जो होगा विटामिन बी ट्वेल्व को कहा जाएगा। इसमें भी मैक्रोसाइटिक एनीमिया होगा, इससे मेमोरी लॉस जो है ये इसका एक इम्पॉर्टेंट जो है वो डेफिशिएंसी डिजीज है। तो याद रखेंगे मेमोरी लॉस होगा, मैक्रोसाइटिक एनीमिया होगा, पर्निशियोसियस एनीमिया होगा। विटामिन सी, अभी जेकेएसएसबी के एग्जामिनेशन में दो से तीन बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, विटामिन सी की जो डेफिशिएंसी डिजीज है उससे कौन सी बीमारी होती है? तो इससे बीमारी जो होती है इसकी डेफिशिएंसी डिजीज से वो स्कर्वी होती है। तो इसका इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट जो होगा वो एल एस्कॉर्बिक एसिड होंगे। क्या होंगे? एस्कॉर्बिक एसिड होंगे। विटामिन डी की बात करते हैं। विटामिन डी जो है ये कैल्सीफिरोल होंगे और जो है चोली कैल्सीफिरोल होंगे, जिसे D3 कहा जाता है। इनसे जो डेफिशिएंसी डिजीज होती है वो रिकेट्स होती है, फिर ऑस्टोमेलेशिया होगी,
याद रखेंगे, तो रिकेट्स एंड ऑस्टोमलेशिया होगी। विटामिन ई की तरफ चलेंगे, विटामिन ई यानी कि टोकोफिरोल। तो विटामिन ई का इंपॉर्टेंट कंस्टिट्यूएंट जो होगा वो कौन सा होगा, वो टोकोफिरोल होंगे और टोकोटेरिनोल्स होंगे। अब विटामिन ई की कमी से जो है हमारे जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं आरबीसीज होते हैं वो कम हो जाते हैं, उनमें डिस्ट्रक्शन हो जाती है। तो याद रखेंगे आरबीसी से रिलेटेड है टोकोफिरोल विटामिन ई। अब कुछ एसेंशियल फैटी एसिड्स है जैसे कि ओमेगा 3 है जिसे हम अल्फा लिनोलेइक एसिड कहते हैं और ओमेगा 6 जो है लिनोलेनिक एसिड होंगे। इसमें हमारे को बहुत से कुछ स्किन के एलिमेंट्स होते हैं, कुछ बॉडी प्रोसेस पे जो इफेक्ट होता है। अब इसका इंपॉर्टेंट सोर्स जो होता है ओमेगा 3 का जो है ये पूछा जाता है, जैसे कि हमारे फिश ऑयल्स जो होते हैं उसमें ओमेगा 3 होगा, फ्लैक्स सीड होंगे, हेम्प ऑयल होगा, ओलिव ऑयल होगा, पंपकिन के सीड्स होंगे, लीफी वेजिटेबल्स, ये इंपॉर्टेंट जो है वो सोर्स रहता है ओमेगा 3 का, एसेंशियल फैटी एसिड के जो है ये सोर्स रहेंगे। विटामिन के की बात करेंगे, विटामिन के से भी क्वेश्चन आता है। सबसे पहले जो क्वेश्चन से पूछा जाता है वो ये है कि लैक ऑफ क्लॉटिंग ऑफ ब्लड अगर होती है किसकी कमी से होती है, विटामिन के की कमी से। और इसका इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट जो होगा वो फाइलोक्विनोन होगा और मैनाक्विनोन होगा। तो फाइलोक्विनोन K1 याद रखेंगे विटामिन के को कहा जाएगा, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में मिलेंगे। अब कुछ इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स हैं जिनकी जो हम डिजीजेस देख लेते हैं, जैसे कि आयरन है, आयरन की कमी से आप जानते होंगे कि एनीमिया होता है। पोटेशियम की बात करते हैं, पोटेशियम की बात करेंगे, पोटेशियम से जो है वो इसकी कमी से जो है वो हाई ब्लड प्रेशर होगा, क्या होगा, हाई ब्लड प्रेशर जो होगा पोटेशियम की कमी से होगा। रेस्पिरेटरी डिस्प्रेशन भी हो सकता है, डिप्रेशन हो सकता है, पैरालिसिस हो सकता है पोटेशियम की कमी से। बात करेंगे कैल्शियम की, कैल्शियम की कमी से जो है क्या क्या होगा, तो कैल्शियम से जो है ऑस्टियोपोरोसिस होगा। तो ये जो डिजीज होगी ऑस्टियोपोरोसिस या हाइपोकैल्सीमिया जो होगी, ये डिजीज जो होगी ये कैल्शियम की कमी से होगी। और जो है अगली डिजीज जो है ऑस्टोपीनिया होगी। आप जानते हैं कैल्शियम हमको मिल्क और मिल्क के प्रोडक्ट से मिलता है, एग से मिलता है, व्हीट ग्रास से जो है वो कैल्शियम हमें मिलेगा। तो कैल्शियम की कमी से जो है ऑस्टियोपोरोसिस हाइपोकैल्सीमिया जो है ये बीमारियां होगी। बात करने वाले हैं मैग्नीशियम की, मैग्नीशियम की कमी से जो है कौन सी डिजीज होती है और मैग्नीशियम के इंपॉर्टेंट सोर्स क्या है। मैग्नीशियम के इंपॉर्टेंट सोर्स जो होंगे, जो चॉकलेट होती है, जो हम डार्क चॉकलेट खाते हैं वो मैग्नीशियम का इंपॉर्टेंट सोर्स है। नट्स होते हैं, जो सीड्स हम लेते हैं वो भी इंपॉर्टेंट सोर्स होता है, उनमें भी मैग्नीशियम मिलता है। और उसके अलावा ग्रीन वेजिटेबल्स में हमें मैग्नीशियम मिलेंगे। अब मैग्नीशियम की कमी से जो है क्या होता है कि हार्ट अटैक होने के चांसेस रहते हैं, इसलिए जो है नट्स खाने चाहिए। इंसुलिन का रेजिस्टेंस का काम करेगा ये। डिटोरेशन ऑफ मेटाबॉलिज्म एंड सेलुलर फंक्शनिंग मैग्नीशियम की कमी से होगा। अब बात करने वाले हम सोडियम की, सोडियम जो है हमें एक तो साल्ट से मिलता है, आप जानते हैं साल्ट से हमें सोडियम मिलता है, फिश मीट और वेजिटेबल से मिलेगा। अब सोडियम की कमी से जो है एक तो हेडेक रहती है, इंपॉर्टेंट है कि जिसे हेडेक ज्यादा रहती है तो उसे सोडियम कंज्यूम करना चाहिए, ठीक है। तो आप इसी के लिए जो है यही एक इंपॉर्टेंट जो है इसकी डिजीज है। अब हम बात करने वाले हैं क्लोरीन की, क्लोरीन जो है, क्लोरीन की जो डिजीज, क्लोरीन की कमी से जो डिजीज होती है उसको हम एल्कोलोसिस कहते हैं। और क्लोरीन जो हमें मिलता है वो कहाँ से मिलता है, साल्ट से मिलेगा हमें, वेजिटेबल से मिलेगा, मीट से मिलेगा और मिल्क से मिलेगा। बात करेंगे हम अगले न्यूट्रंट की, फास्फोरस। फास्फोरस की कमी से जो है रिकट्स होती है बच्चों में, छोटे बच्चों में रिकट्स होती है चिल्ड्रंस में, वो ऑस्टियोमलेशिया होता है किसमें, एडल्ट्स में। और हमें फास्फोरस का जो रिच सोर्स है वो बनाना जो है, आप याद रखेंगे बनाना जो है वो फास्फोरस का एक रिच सोर्स है। बात करेंगे आयोडीन की, अब बचपन से सुने होंगे आयोडीन की कमी से ग्वाइटर होता है, ये जो बीमारी है ग्वाइटर जो है आयोडीन की कमी से होता है, इसलिए हमें आयोडाइज्ड साल्ट लेना चाहिए। तो साल्ट जो होगा वो रिच सोर्स होगा आयोडीन का। सी फूड जो होते हैं, आप जानते हैं जो सी फूड होते हैं, सी में जो है सी से भी आपका साल्ट बनता है, तो वहां पर वो भी जो है रिच होते हैं आयोडीन में। ग्रीन वेजिटेबल होंगी, रॉ मिल्क होगा, एग्स होंगे। अब इसके अलावा जो प्रोटीन हमारा जो न्यूट्रेंट है, इसकी कमी से जो है कवाशियोर्कर जो बीमारी है ये होती है।
ये कहाँ पर हमें मिलता है प्रोटीन? मीट से मिल सकता है, सी फूड से मिलेगा, एग से मिलेगा, और हमारी जो पल्सेस होती है, जो दालें होती है, ये भी रिच सोर्स होता है प्रोटीन का। तो यहाँ पर हमने जो है कुछ इंपॉर्टेंट जो है वो डिजीजेस देख ली, कोई डेफिशिएंसी डिजीजेस देख ली, कुछ इंपॉर्टेंट न्यूट्रेंट्स देख लिए, तो उनकी ये डिजीजेस थी। पीडीएफ के लिए जो है आप जो है वो नीचे जो है कमेंट में हम लिंक दे देंगे, और वैसे भी आप जो है www.homeacademy.in पे जाइए, आपको वहां पर पीडीएफ जो है बाकी भी मिल जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, विश यू गुड लक।